Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel, Spices of Food. Bakra is special mein aaj main bana rahi hoon Mutton Mughlai Malai Handi. Mutton Mughlai Malai Handi banane ka tarika thoda sa munfarid hai lekin hai zaike mein lajawab. Jab aap banayenge to inshaallah Bakra Eid pe aapki wah wah ho jayegi. To chalein shuru karte hain mazedar si authentic recipe. सबसे पहले हम करेंगे मटन को मैरिनेट. मैरिनेट करने के लिए बोल ले लिया. बोल में हम डालेंगे मटन विद बोन्स. एक किलो मटन है. अब इसमें हम डाल देंगे 4 टेबलस्पून फ्राइड अनियन. ये मैंने अभी अभी इंस्टेंट फ्राई की है. आप इस रेसिपी को डबल भी कर सकते हैं. इसमें हम डाल देते हैं 2 टीस्पून भर के धनिया पाउडर. 3 टीस्पून भर के मैंने ली है लाल मिर्चों का पाउडर. 3 टीस्पून भर कर लिया है फुल हीप्ड. 1.5 टीस्पून भर कर गरम मसाला पिसा हुआ. इलायची 1/2 टीस्पून पिसी हुई. ये भी अभी हमने इंस्टेंट पीसी है. और 2 टीस्पून मैंने नमक लिया है जिसमें से मैं अभी इसमें 1.5 टीस्पून डाल देती हूँ. और फिर हम इसमें थोड़ा सा चेक कर लेंगे. अगर कम हुआ तो हम और मज़ीद ऐड कर लेंगे. कम नमक के लिए गुंजाइश है, आप ज़्यादा डालेंगे तो गुंजाइश नहीं है. अब इसमें हम डाल देते हैं 3 टेबलस्पून लेमन जूस. अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भुना कुटा ज़ीरा. 1 टीस्पून लहसुन और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट. ये भी हम फुल भर के लेंगे. अब इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स. और इसमें डालेंगे 2 कप दही. अच्छे से दही को कर लेते हैं विस्क. और अब इसे कर देते हैं अच्छे से मिक्स करेंगे. नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें कम और ज़्यादा कर सकते हैं. बाकी चीज़ें आपने इसी हिसाब से डालनी है. और अगर आप इसकी क्वांटिटी हाफ कर रहे हैं तो आधा मसाला डाल दीजिए. अगर आपने इसको डबल करना है तो फिर मसालों को भी डबल करना होगा. इंशाल्लाह ताला बहुत ही मज़ेदार बनेगी ये. और चाहें तो आप ये बीफ में भी बना सकते हैं. बीफ मलाई मुगलई हांडी भी बना सकते हैं लेकिन हम चूंकि मटन में बनाएंगे. मटन में बनती है बहुत ही मज़ेदार. चलिए इसे मैरिनेट करके अब हम रख देते हैं 1 घंटे के लिए. अगर आपको इंस्टेंट बनानी है तो आप क्या करेंगे, इसमें 1 से 1.5 टीस्पून कच्चा पपीते का पेस्ट या आप कचरी पाउडर भी डाल सकते हैं या कोई भी मीट टेंडराइज़र ले सकते हैं. मैं नहीं डाल रही हूँ, मैं रेस्ट दूँगी 1 घंटे का. तो चले रेस्ट दे देते हैं इसे. मैरिनेट करके रखे हुए देखें मटन को हो गया है तकरीबन 1 से 1.25 घंटा. अब हम इसे कुक करने की तरफ आ जाते हैं. कुक करने के लिए हमने ली है एक वोक. वोक में हमने डाला था 1/2 कप के करीब ऑयल. और फ्लेम ऑन करते ही इसमें हम डाल देते हैं 3 ounce बटर. और इसी के साथ इसमें हम डालेंगे 3 अदद लौंगें और ये तकरीबन 7 से 8 काली मिर्चें. 3 अदर डाल देंगे हम इसमें छोटी हरी इलायची. और इसे हम थोड़ा सा ऑयल में हल्का सा हम इसे सौते करेंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है वो ऑयल में आ जाए, अरोमा, और बटर भी मेल्ट हो जाएगा. बटर हमने यहाँ पर सिर्फ खुशबू के लिए ऐड किया है. देखिए ऑयल गरम हो गया है. इसमें अब हम डाल देते हैं मैरिनेट किया हुआ मटन. क्योंकि हम बनाते हैं बहुत सारी रेसिपीज़ बीफ में तो बीफ ही ज़बान पर है. हम ये मटन में बना रहे हैं मटन मुगलई मलाई हांडी. अच्छी तरह से सारा दही और मिक्सचर जो हमने इसके साथ मैरिनेशन में लगाया था वो सब हम अच्छे तरीके से इस पर डालेंगे ताकि कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो. चलिए मिक्स करेंगे ऑयल में अच्छी तरह. और अब हम इसे कर देंगे कवर और पकाएंगे.
फ्लेम कर देते हैं थोड़ा सा लो, कवर कर दिया है और अब हम गोश्त गलने तक पकाते हैं और फिर अगले स्टेप्स पर आ जाएंगे। अब चेक करते हैं हम, ये देखें कितनी मज़ेदार खुशबू आ रही है। उम्मीद है कि गोश्त बिल्कुल गल चुका होगा, ज़रा चेक कर लेते हैं गोश्त को। ये देखें बिल्कुल माशाल्लाह से हलवा हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे मज़ेदार और मुगलई टच देने के लिए 2 टेबलस्पून भर के काजू का पाउडर। ठीक है, ये हमने काजू का पाउडर बना लिया है, 7-8 काजू ले लिए थे उसका हमने पाउडर बना लिया है। और इसमें डालेंगे हम 2 टेबलस्पून बादाम का पाउडर, बादाम भी इसी तरह से हमने लिए 7-8 बादाम और उसका भी हमने पाउडर बना लिया। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 कप क्रीम, जो कि हमारे पास है टेट्रा पैक की। अगर आपके पास दूध की बलाई हो तो वो भी डाल सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। क्रीम डाल के मिक्स कर लेते हैं इसे अच्छी तरह। क्रीम डाल के हमें ज़्यादा पकाना नहीं होता। कवर कर देते हैं 1-2 मिनट के लिए। ये देखें ज़बरदस्त सा हो गया है सालन, कितना मज़ेदार तैयार हो गई है मटन मुगलई मलाई हांडी। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून केवड़े में हमने डाल दिया था 1/4 टीस्पून ज़ाफ़रान, और इतनी ज़बरदस्त माशाल्लाह से ज़ाफ़रान की खुशबू आ रही है कि पूरा किचन महका हुआ है। तो अब ये डाल देंगे हम इसमें, और हमारी फैमिली में ज़ाफ़रान इतना पसंद है, आप यकीन कीजिए मज़ा आ जाएगा आप जब ये मुगलई हांडी हमारे स्टाइल से बनाएंगे विद मलाई, ज़रूर याद रखना है। चलें कवर करते हैं और इसे स्टीम में दम पे रखते हैं और फिर डिश आउट करते हैं और आपसे मिलते हैं। ये देखें कितनी मज़ेदार मटन मुगलई मलाई हांडी तैयार हो गई है, और वो भी हमने पेश की है बिल्कुल देसी स्टाइल में। तो बनाइए और ईद पे मज़े कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ इंजॉय करें। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी, हमें अपनी मोहब्बत और प्यार और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स से ज़रूर बताइएगा। चलते हैं फिर मिलेंगे एक नई मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए वीडियोस को, शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मिले हमारे टाइमली नोटिफिकेशंस। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।